बच्चों हम देखते हैं जो बाकी का पाठ था वो रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वो अस्थिर हो जाती थी और पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। रानी के साथ बच्चों ने धीरे धीरे मित्रता कर ली क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा रानी के पास जाते थे, उसकी गर्दन में झूलते थे, उनके कानों में अयाल में फूल खोजते थे और रानी को मिठाई खिलाते, बिस्किट खिलाते, तरह तरह की उनके साथ प्रवृत्तियां करते रहते थे। और इस तरह थोड़े ही दिनों में रानी के साथ बच्चों ने मित्रता कर ली। रानी भी बच्चों को अगर नहीं देखती थी तो वो पैर पटक कर हिनहिनाने आवाज करने लगती थी। हिनहिनाना यानी यह घोड़ों की आवाज है। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। अब थोड़े दिनों के बाद रानी के पीठ पर बैठकर सवारी करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीद ली और भाई के लिए चमड़े की घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई थी। संतुलन खोने पर भी वो नीचे गिर नहीं पाए, ऐसी चमड़े की जीन बनवाई। और बहन दूसरी बहन और लेखिका के लिए एक सिंपल यानी सुंदर जीन बनवाई थी। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर जिस पेड़ रहता है उसके चारों ओर जो बनकम होता है चबूतरा कहा जाता, उस चबूतरे पर खड़े होकर चोरा कहा जाता है, चोरा। तो उस चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते थे। आरूढ़ होना यानी सवार होना। तो बारी बारी छोटे बच्चे चबूतरे पे चढ़ते थे और उसके सहारे से रानी के पीठ पर सवार होकर सवारी करते थे। और जो छूटा नौकर था वो पीछे पीछे दौड़ता हुआ हमें घुमाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या काल समय लेखिका की बारी आती थी। कार्यक्रम दोहराया जाता था, परंतु ऐसी सवारी से सभी बच्चों की विद्रोही प्रवृत्तियां कैसे संतुष्ट हो सके, बच्चों को संतोष मिलता नहीं था। इसलिए अस्तबल में रानी की गर्दन में झुलकर और स्टूल के सहारे उसका उसकी पीठ पर चढ़कर भी संतोष न मिलता था। अंत में एक दिन छुट्टी थी, उसी दिन घर के सभी सदस्य घर में सो गए थे। बच्चों ने अपनी विद्रोही प्रवृत्ति शुरू कर दी। वो बरामदे में गए, वहां से रानी को खोलकर निकाल चुपचाप निकाल कर लाए। चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर जीन के बिना पीठ नंगी उस पीठ पर चढ़कर बारी बारी वो अपनी जो अधूरी शिक्षा थी उनकी पूरी परीक्षा लेने लगे थे, सीखने लगे थे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। जो बच्चे तूफान करते थे, मस्ती करते थे, इन सभी प्रवृत्तियों से रानी प्रभावित होती थी। और वास्तव में बालकों की जो कमजोरियां है वो उसे मालूम था। वे चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता हो तो उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था, रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी। जो निक्की और रोजी भी बच्चों के साथ साथ रानी के साथ ऐसी प्रवृत्तियां करते रहते थे। और यह बच्चे ऐसे रानी के पीठ पर गर्व से अभिमान से बैठते थे जैसे कि मयूर सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसा महसूस करते थे। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी कि बच्चों को हमें कैसे संतुष्टि देना चाहिए, वो सब कुछ रानी जानती थी।
उसकी नंगी पीठ पर अय्यर पकड़कर बैठने वाले बच्चों को वो धीरे धीरे उधर उधर दुल की चाल से संतुष्टि कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी सोटी छड़ी जिसे हम बोलते और महादेवी वर्मा रानी की पीठ पर बैठी और पीछे से भाई ने संटी ऐसी रानी के पैरों में लगा दी। चोट तो नहीं लगी थी लेकिन परंतु इससे न जाने इसका स्वाभिमान आहत हो गया, नष्ट हो जाना। आहत हो जाना यानी नष्ट हो जाना, या कोई दुखद स्मृति रानी के दिमाग में उभर आई वो मालूम नहीं। लेकिन रानी इतनी तेज गति से भागी, न जाने सड़क नदी नाले पेड़ सभी रोकने का जो संकल्प किया था वो सब निष्फल हो जाते। कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोल के समान संभाला, सही संभाला थोड़े देर तक, लेकिन गिनना तो निश्चित था कि रानी रुकने वाली नहीं थी और महादेवी वर्मा पीठ के ऊपर से अवश्य नीचे गिरने वाली थी। जैसे महादेवी नीचे गिर गई तुरंत रानी जैसे कि अतीत यानी भूतकाल में खो गई थी और अभी तुरंत वर्तमान में वापस आ गई, ऐसी पत्थर की मूर्ति जैसी प्रतिमा जैसी खड़ी रह जाती। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा कि रानी बीमार हो गई और बिछानों पे थोड़े दिन पड़ा रहना पड़ा। और जब वो महादेवी वर्मा बिछानों पर बीमार होकर गिरी पड़ी, उसके वजह बिछाने पर थोड़े दिन काटने पड़े, स्वस्थ होकर महादेवी रानी के पास गई तो ऐसे करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से महादेवी की ओर देख रही और हीन हिनाने लगी यानी अफसोस करने लगी। ऐसे ऐसे हमारे जो पालतू प्राणी होते हैं वो इतने प्रामाणिक होते हैं, वफादार होते हैं कि अगर हम वो प्राणी मालिक के साथ कोई गलती कर बैठते हैं तो हमेशा वो पश्चाताप अफसोस करते हैं और ऐसा अफसोस पश्चाताप रानी कर रही और वो देखकर महादेवी की आंखों में आंसू भर आए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी मम्मी की मम्मी जो नानी ने सोने के कड़े भाई के लिए भेजे थे वो शेर मुख वाले कड़े थे और जन्मदिन के उपहार में उसे भेजे थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने के लिए गया और न जाने किन प्रेरणा से वो कड़े हाथों में से निकाल कर रानी के खड़े कानों में भाई ने पहना दिए और सभी बच्चे खेलने की प्रवृत्ति में मशगूल हो गए, कड़े की बात तो भूल गए। लेकिन संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई पर कहीं भी कड़ों का पता लगा नहीं। हाथों में कड़े नहीं थे, माँ ने पूछे कि आपके कड़े कहाँ गए, तब सब इधर उधर कड़े को ढूंढने लगे। रानी अपने कान को खुर से खोदती और हिनहिनाती रही और इधर उधर ढूंढते है। उसी समय रानी खुरों से अपने कान खोदती है और हिनहिनाती आवाज करती है। अंत में बाबूजी का ध्यान रानी की ओर जाता है और उन्होंने मिट्टी खोदने का आदेश दिया। तब कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े किसी ने गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला परंतु रानी सारे घर की सदस्य बन गई, हृदय में स्थान पा गई यानी सभी सदस्यों के प्रिय बन गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है, याद है एक घटना और भी दूसरी घटना जो विचित्र और विचित्र है वो याद है। एक सवेरे सब बच्चे जब जागे तब रानी के सामने एक घोड़े का छोटा बच्चा उन बच्चों ने देखा, तो वो
इन बच्चों ने रामा से पूछा, यह कहाँ था? कहकर हमने रामा को इतना तंग कर दिया कि रामा ने आखिरकार निरुपाय घोषणा कर दी कि यह नया जीव तो रानी के पेट में था और पेट में दाना चारा खाकर सो रहा। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है क्या रानी के पेट में? तो रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया, हाँ कह दी कि और भी एक बच्चा है। हाँ, अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी हुए, आश्चर्यचकित भी हुए, क्रोधित भी हुए, लाल पीले हो गए गुस्से से। ये छोटे जीव कोई काम धाम करते नहीं और जो हम दाना चारा रानी को खिलाते हैं वो खाकर रानी के पेट में सोए रहते हैं, गुस्से क्रोधित हो गए और स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीर कर और एक बच्चा निकाल लेंगे हम, कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में हाजिर रहेगी। प्रस्ताव महादेवी वर्मा को भी उचित लगा कि सही है, लेकिन जब एक दिन भाई सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आया, क्यों लेकर आया? वो रानी का पेट काट कर बच्चा निकालने के लिए, तब एक समस्या थी। महादेवी ने कहा कि अगर हम रानी का पेट फाड़कर एक घोड़ा निकाल लेंगे, लेकिन पेट सिएंगे कैसे? यह एक समस्या है। और हमारा ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी यानी छोटी सी सुई से तो रानी का पेट सिया नहीं जाता। टाट सीने का जो बड़ा सुजा रहता है वो तो रामा के कमरे में रहता है, और रामा के कमरे में जाने के लिए हमारे लिए संभव नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उपरांत जब रानी का वो अश्व छोटा बच्चा, अश्व घोड़ा शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा इधर उधर, तब सभी बच्चों का क्रोध स्मरण रहा, न स्मरण रहा और न प्रस्ताव, और इस अश्व को भी और रानी को भी सभी बच्चे प्यार करने लगे। तो दुनिया में हमें भी प्राणियों के प्रति प्रेम रखना चाहिए।